या देवी सर्वभूतेषु मा मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम दुंग दुर्गाय नमः 19 अक्टूबर 2023 आज है बृहस्पतिवार और आज है शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि और नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की कथा पूजा विधि आरती और क्षमा प्रार्थना तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली दुर्गा सप्तशती की कथा भी जरूर सुनते होंगे नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है ऐसा कहा जाता है कि माँ मोक्ष के द्वार खोल देती है अपने भक्तों के लिए और हाँ माँ स्कंद माता की पूजा करने से वंश की वृद्धि हो जाती है ऐसा कहते हैं कि संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो संतान की उन्नति की कामना हो तो माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए इससे आपको बहुत लाभ होता है शास्त्रों के अनुसार का प्राकट्य हुआ था असुरों के नाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए शिव पुराण में माता स्कंद माता का जो प्रसंग आता है उसकी कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तारकासुर से कहा वरदान मांगो तारकासुर ने वरदान मांगा मुझे अमर कर दो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है हर किसी का अंत निश्चित है ये सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक और वर मांगा और इस बार उसने मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो क्योंकि उसने सोचा कि महादेव जी तो गृहस्थ जीवन अपनाने से रहे ना उनका विवाह होगा ना उनके पुत्र होगा और ना ही मेरा वध होगा इस प्रकार से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न थे उन्होंने तथास्तु कह दिया जैसे ही तारका सुर को अमरता का वरदान मिला उसने धरती और स्वर्ग लोग पर हिंसा करना शुरू कर दिया और अब उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए फिर एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी से कह सुनाई ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए और भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया स्कंद स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान और भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर के वध करने के लिए तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था इसलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है इस बारे में एक और पौराणिक कथा है जिसके अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है इसलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा इस प्रकार माँ की पूजा पांचवी अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी माता अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्रेम करती हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं मातृस्वरूप में माँ अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती हैं इसलिए स्कंद माता की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होते देर नहीं लगती है क्योंकि माता अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान हर सुविधा हर सुख प्रदान करती हैं यहाँ तक कि ज्ञान बुद्धि विद्या और मोक्ष भी प्रदान करती हैं माता का जब हम ध्यान करते हैं तो स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में ही विराजित हैं इस देवी की चार भुजाएं हैं ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है इनका वर्ण एकदम शुभ्र है ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है सिंह इनका वाहन है मास्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं इसलिए इनका जो उपासक है अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है इसलिए मन को एकाग्र रखकर और पवित्र मन से इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्तों को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है नवरात्रि के पांचवे दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और हाँ माँ का प्रिय रंग है पीला तो आप चाहे तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद मां स्कंद माता की पूजा कीजिए मतलब जो भी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है धूप दीप प्रज्वलित करके और चौकी पर जो भी आपने देवी देवता विराजित कर रखे हैं कलश देवता भगवान गणपति माँ भगवती जगदम्बा इसके अलावा अगर आपने सोडस मात्री का नवग्रह मंडलीय सभी चीजें स्थापित कर रखी हैं ज्वारे बो रखे हैं अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो इन सभी देवी देवताओं का धूप दीप प्रज्वलित करके पूजन कर लीजिए और इसी प्रकार से माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की भी पूजा कीजिए धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है उन सामग्रियों से स्कंद माता की पूजा करके भोग अर्पित कीजिए स्कंद माता को केले का भोग लगा सकते हैं कोई भी ऋतु फल हो तो उसका भोग लगा सकते हैं आप चाहें तो माँ को खीर में केसर मिलाकर मतलब केसर वाली खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं या दूध और केसर से बनी हुई मिठाइयां भी अर्पित कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए मतलब कच्चा दूध उसमें शक्कर डालकर और उसमें केसर डालकर श्रद्धा भाव से भोग सहित अर्पित कर सकते हैं माँ माता को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं तो गेंदे का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं इसके अलावा गुड़हल और गुलाब के पुष्प भी मां को अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए मां का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामीन्यय नमा अगला मंत्र है ओम स्कंद स्कंदमात्रय नमा ओम देवी स्कंद स्कंदमाता यमा और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूत मास्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नम तो ग्यारह बार या इक्कीस बार इस मंत्र का आप जब कर सकते हैं आप चाहे तो एक सौ आठ बार भी कर सकते हैं पूजा पूर्ण कर लीजिए उसके बाद से माँ की आरती कर लीजिए और हाँ आरती के बाद क्षमा प्रार्थना भी जरूर कीजिए और अब आप सुनेंगे मास्कंद माता की आरती ओम जय स्कंद माता मैया जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया तुमसे सुख आता मैया जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता मोक्ष भक्त पावे मैया मोक्ष भक्त पावे द्वार तिहारे आवे खाली नहीं जावे मैया जय स्कंद माता चार भुजाधारी माँ कमल सोहे मैया के हस्त कमल सोहे स्कंद संग में विराजे छवि अति मन मोहे मैया जय माँ स्कंद माता पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे मैया का ध्यान भक्त धरे मन फल पावे कष्ट मधुर करे मैया जय मा स्कंद माता रूप निराला है मा का जन गुण गान करे मैया का जन गुण गान करे कर दो कृपा है मैया तुम्हारे द्वार खड़े मैया जय मा स्कंद माता विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे जो मन से ध्यान करे साधक नित हर साए जय जय माँ की करे मैया जय माँ स्कंद माता शिव योगी की शक्ति तुम को ही जग जाने मैया तुम को ही जग जाने कार्तिकेय वंदन मैया ये जग माने मैया जय मस्कंद माता तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते मैया हर पल धर्म ही जीते तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते मैया जय मस्कंद माता स्कंद माता की आरती जो मन से गाए भक्तों जो मन से गाए भव बंधन से छूटे नित सुख वो पाए मैया जय मा स्कंद माता ओम जय मा स्कंद माता मैया जय मा स्कंद माता परम सुखदाई मैया तुम से है सुख आता मैया जय माँ स्कंद माता माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए तो दोनों हाथ जोड़कर कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए हे परमेश्वरी मैं आवाहन करना नहीं जानता विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता हे माँ मुझे क्षमा करिए हे देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ तो मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ इस समय दया का पात्र हूँ आप जैसा चाहें वैसा करें हे देवी परमेश्वरी अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन कामेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें हे देवी सुरेश्वरी आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी